मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, मैं राजू वर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था और मेरे को फ़ोन कर करके पूछ रहा था कि सर, जो आप 1000 वाट का एम्पलीफायर है उसमें आउटपुट लेवल किट डाले हैं, उसका सर्किट डायग्राम चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हर बार मेरे को फ़ोन करते हैं क्योंकि मेरा भी दुकान है, तो मैं दुकान में काम कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो किसी समय आप लोगों का जवाब नहीं दे सकता, मेरे को डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी, इसलिए आज मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आज खास करके आउटपुट लेवल किट पर ही है आज का वीडियो। तो इसका सर्किट डायग्राम बताऊंगा मैं और ये कितने कितने वाट में काम करेगा वो बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं दिखा देता हूँ, जो कि ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सर्किट है 1000 वाट का जो मैं एम्पलीफायर बना हूँ उसमें यूज़ किया हूँ। ये काफ़ी अच्छा सर्किट है, इसको आप घर में बना सकते हो। ये आपका 50 वाट से लेकर 250 वाट तक एम्पलीफायर बनाओगे उसमें काम करेगा ये, ठीक है। तो चलिए कुछ बता देते हैं इसके बारे में। यहाँ से ऑडियो इन देना है, ठीक है। ये तो ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। और यहाँ सप्लाई देना है 12 वोल्ट की, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं इसमें ट्रांजिस्टर है 548, ठीक है। अब ये 4007 डायोड है। चलिए मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। ये रहा इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये आप देख भी पा रहे हैं 50 वाट 100 वाट और 150-250 वाट तक में ये काम करेगा, ठीक है। ये BC 547-48 जो भी है सेम वैल्यू का होता है। यहाँ से 12 वोल्ट प्लस इन होगा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ तक। और ये 4007 डायोड लगा है, ठीक है। और यहाँ से ऑडियो इन होगा, 10 का रेजिस्टेंस प्लस 4007 डायोड लगा है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ मैं LED का बता दिया हूँ कैसे लगाना है, ठीक है। और ये इसको समझ जाना आप लोग, ABC 548 कलेक्टर बेस एमिटर। तो यहाँ मैंने डाल रखा है, ये देख पा रहे हैं आप, कलेक्टर, ये बेस एमिटर, ठीक है। एक यहाँ लगेगा, 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 ठीक है। और ये LED है, 1 2 3 4 5, 5 LED लगाने हैं आपको, ठीक है। और ये सर्किट डायग्राम में प्लस माइनस मैं गलत डाल दिया हूँ। ये जो है प्लस इस साइड लगेगा और माइनस इस साइड लगेगा, जल्दी जल्दी मैं इसको गलती कर दिया, ये आप सुधार लेना, इसके हिसाब से लगा लेना, ठीक है। ये आप LED देख पा रहे हैं, ये छोटा एक बड़ा इसका पिन रहता है, तो जो छोटा रहता है वो साइड निशान भी दिया रहता है LED में, वो कैथोड कहलाता है, जो माइनस रहता है। और ये इधर एनोड, ठीक है, जो लंबी पिन रहती है वो एनोड कहलाती है, ठीक है। प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट आपका इस साइड जाएगा और ये माइनस इस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये LED बस को आपको सुधारना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, ओके है, ठीक है। ये मैं बना चुका हूँ, अच्छे से काम करता है। आप 44-40 IC में भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन, जो भी सवाल था, आज क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये आप सर्किट वीडियो कैप्चर कर लेना और इसको आप बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, एक बार और देख लो, ठीक है। ये